हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में डिजिटल मल्टीमीटर ये पॉइंट देखेंगे। इस वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है और उसकी ब्लॉक डायग्राम कैसी है, हर एक ब्लॉक का फंक्शन क्या है, इसकी जानकारी लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। डीएमएम बेसिकली कन्वर्ट्स एन इनपुट एनालॉग क्वांटिटी इनटू डिजिटल सिग्नल बाय मींस ऑफ एडीसी एंड देन डिस्प्लेज इनपुट क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डिस्प्ले बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है? यहाँ पे इनपुट जो एनालॉग क्वांटिटी होती है उसे डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज किया जाता है। अब ये जो इनपुट है एनालॉग है उसे जब डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो भी आउटपुट है वो शो करने के लिए यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले का यूज किया जाता है जहाँ पे हमें नंबर्स दिखते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है जहाँ पे हमें आउटपुट में नंबर्स दिख रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का यूज किया जाता है। डीएमएम इज नथिंग बट अ डिजिटल वोल्टमीटर। तो हम इस डिजिटल मल्टीमीटर को डिजिटल वोल्टमीटर भी कह सकते हैं। डीएमएम जस्ट कन्वर्ट्स ईच एंड एवरी क्वांटिटी इनटू डीसी वोल्टेज। और डिजिटल मल्टीमीटर कुछ इस तरह से दिखता है जो आपने आपके प्रैक्टिकल लैब्स में यूज किया होगा। तो इस तरह से ये डिवाइस होता है जहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज है, जैसे कि यहाँ पे ओहम दिए गए हैं, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है जो कि एम्पियर में है, और यहाँ पे ये नॉब्स होते हैं जहाँ पे हम इस प्रोब को कनेक्ट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये है डिजिटल मल्टीमीटर की बेसिक ब्लॉक डायग्राम, जिस पे सबसे पहले ये दो टेस्ट प्रोब्स है जो कि एक रेड एक ब्लैक होता है। फिर यहाँ पे डीसी वोल्टेज अटेन्यूएटर ये फर्स्ट ब्लॉक है, रेक्टिफायर एंड अटेन्यूएटर सेकंड ब्लॉक है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है, रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर है। तो ये चार क्वांटिटीज हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अब ये प्रोब जिस भी क्वांटिटी को कनेक्ट होता है वहां से प्रोसेस आगे के चालू होती है। ये सारे ब्लॉक्स आगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को कनेक्टेड है और फिर यहाँ पे जब कन्वर्जन हो जाता है काउंटर सर्किट को आउटपुट दिया जाता है और हमें यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले पे वो आउटपुट दिखता है। तो मेन ब्लॉक्स कौन से है यहाँ पे? एसी टू डीसी अटेन्यूएटर, करंट टू डीसी वोल्टेज कन्वर्टर, रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जिसे एडीसी कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर विद डिजिटल डिस्प्ले। अब सबसे पहले हम देखेंगे एसी टू डीसी अटेन्यूएटर का काम क्या है। डीसी अटेन्यूएटर कंसिस्ट ऑफ अ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। तो यहाँ पे इस ब्लॉक में एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है। द इनपुट डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू डीसी अटेन्यूएटर। अगर हमने इनपुट डीसी वोल्टेज दिया है तो वो डीसी अटेन्यूएटर के पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ता है, इसलिए डीसी वोल्टेज यानी कि डीसी अटेन्यूएटर के ब्लॉक को हमने ये दिया है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस। और इसका जो इंटरनल सर्किट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे ये 200 मिली वोल्ट है, फिर ये 2 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 200 वोल्ट है और ये 2000 वोल्ट है। यानी कि यहाँ पे हमें इस तरह से डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस दी गई है जो कि हम आगे मेजर कर सकते हैं। सेकेंड ब्लॉक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एनालॉग इनपुट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो जब ये फर्स्ट जो चार ब्लॉक थे जिसमें से हमने अभी डीसी अटेन्यूएटर देखा, तो उसमें जब क्वांटिटी आती है उसके आगे वो एडीसी को प्रोसेस होती है। तो ये जो बॉक्स है ये एनालॉग इनपुट और जो आउटपुट है डिजिटल उसके बीच में का इंटरफेस होता है। आफ्टर कन्वर्टिंग ईच क्वांटिटी इनटू डीसी वोल्टेज एडीसी प्लेज इट्स रोल ऑफ कन्वर्टिंग डीसी वोल्टेज इनटू डिजिटल सिग्नल और बाइनरी सिग्नल।
इन ऑर्डर टू ड्राइव काउंटर एंड डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो भी हम क्वांटिटी दे रहे हैं उसे फर्स्टली डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, और वो जो डीसी वोल्टेज है वो फिर एडीसी को देते हैं, और यहाँ पे डीसी वोल्टेज को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं या फिर बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, और हमें काउंटर सर्किट के जरिए हमारे डिस्प्ले पे वो क्वांटिटी दिखती है। ड्यूअल स्लोप एडीसी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डिजिटल मल्टीमीटर ड्यू टू इट्स बेटर एक्यूरेसी एंड हाई इनपुट इम्पीडेंस। तो सबसे ज्यादा जो भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज किया जाता है डीएमएम में वो है ड्यूअल स्लोप एडीसी। और ये ज्यादा क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है और हाई इनपुट इम्पीडेंस वो देता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स एंड डिस्प्ले यूनिट। अब एडीसी के बाद जो बॉक्स आता है, जो ब्लॉक आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, और उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले यूनिट से हमें दिखता है। इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट दिस सर्किट्स आर वेरी कॉमन नोन एज यूनिवर्सल काउंटर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर और डिजिटल पैनल मीटर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर और डिस्प्ले यूनिट है, ये जो पूरा एक यूनिट है, एक सर्किट है, वो बहुत ही कॉमन है, जिसे यूनिवर्सल काउंटर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर कहा जाता है या फिर डिजिटल पैनल मीटर कहा जाता है। इन डीएमएम आफ्टर कन्वर्टिंग इनपुट क्वांटिटी इनटू डिजिटल सिग्नल और क्लॉक सिग्नल विद द हेल्प ऑफ एडीसी इट इज अप्लाइड टू दिस यूनिट फॉर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। अब जब हमने इनपुट क्वांटिटी दे दी है डिजिटल मल्टीमीटर को, उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा चुका है या फिर क्लॉक सिग्नल में कन्वर्ट किया जा चुका है, उसके बाद वो जो आउटपुट है वो इस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। द गेट सर्किट डिसाइड्स द टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे एक गेट सर्किट होता है, गेट पल्स दिए जाती है और उसके हिसाब से आउटपुट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर हैज 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट। Each display is indicating numbers from 0 to 9. तो यहाँ पे जो भी आउटपुट हमें दिखता है वो एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, जहाँ पे 0 से लेके 9 तक के नंबर्स दिखते हैं। It has several displays with separate decoder and separate decade counter. तो यहाँ पे अगर एक ही डिजिट का नंबर हमें देखना है तो एक डिस्प्ले होगा, अगर हमें 2 digits नंबर देखने हैं तो इस तरह के 2 डिजिटल डिस्प्ले लगाए हुए होते हैं, और दोनों डिस्प्लेस को सेपरेट डिकोडर और सेपरेट काउंटर होता है। अगर 3 लगाने हैं तो 3-3 डिकोडर और 3 टिकेट काउंटर लगेंगे। इस तरह से जितने डिजिट्स हमें चाहिए उतने हमें डिकोडर और काउंटर लगाने पड़ते हैं। इट्स इनपुट ड्राइव्स फर्स्ट डिकेट काउंटर टू डिस्प्ले लास्ट डिजिट और यूनिट्स। After 9th pulse, it produces a carry pulse to the next decade counter to display tens and further hundreds and thousands in similar manner. तो अब इस sentence का meaning क्या है? अब हम जब भी counting करते हैं तो सबसे पहले हम 0 से लेके 9 तक count करते हैं, फिर 2 digits number चालू हो जाते हैं, यानी कि 10, 11, 12. इस तरह से हम 3 digits, 4 digits count करते हैं। तो अगर हमें 5 प्लस 5 करना है, वहां पे एडिशन क्या आ जाती है, 0, और फिर जो 1 होता है उसे हम कैरी करते हैं नेक्स्ट डिजिट में। तो इसी तरह से यहाँ पे वर्क होता है। तो यूनिट प्लेस पे 0 से लेके 9 तक अगर डिजिट होता है तो वो डायरेक्टली दिखाया जाता है, अगर वहां पे 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो हमें यूनिट में ही दिखता है, और जो भी टेंस का है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। इट्स वर्किंग इज वेरी सिमिलर विद व्हीकल स्पीडोमीटर। तो हमारा जो स्पीडोमीटर होता है उस पे जैसे हमें नंबर्स दिखते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से इसका भी वर्किंग होता है। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो, ये है यूनिट प्लेस, फिर ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड प्लेस और ये है थाउजेंड प्लेस। तो यहाँ पे एक डिकेड काउंटर लगाया गया है जो चारों डिजिट्स के लिए सेपरेट है, और यहाँ पे बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर लगाया गया है। तो इस तरह से इनपुट आता है एडीसी से,
फिर ये डिकेड काउंटर पे काउंट होता है। 0 to 9 से लेके जो भी डिजिट है वो यहाँ पे दिखता है। अगर कैरी होती है तो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाती है, फिर से यहाँ पे हमें वो दिखता है। इस तरह से ये कंटिन्यू होते रहता है। एसी टू डीसी वोल्टेज कन्वर्टर। द अबव एक्शन ऑफ डीसी वोल्टेज मेजरमेंट इज कैरिड आउट फॉर अदर क्वांटिटी मेजरमेंट बाय यूजिंग वेरियस कन्वर्टर्स। इस ब्लॉक में डिफरेंट टाइप्स के कन्वर्टर्स का यूज किया जाता है। जो भी एसी क्वांटिटी है उसे हम डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और मेजर करते हैं। व्हेन द फंक्शन स्विच एस इज सिलेक्टेड टू एसी वोल्टेज पोजीशन, इंटरनली इट स्विचेस अ रेक्टिफायर सर्किट टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। तो जब भी हम हमारे डिजिटल मल्टीमीटर पे एसी वोल्टेज को सिलेक्ट करते हैं, स्विच हम वहां पे रखते हैं, तब बीच में इंटरनली क्या होता है, रेक्टिफायर को कनेक्ट हो जाता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो वही इस सेंटेंस में दिया गया है। इट हैज एन अटेन्यूएटर सिमिलर टू डीसी अटेन्यूएटर टू प्रोवाइड डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस। तो यहाँ पे डीसी अटेन्यूएटर होता है जो डिफरेंट वोल्टेज की रेंजेस हमें प्रोवाइड करता है। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। व्हेन डीएमएम सिलेक्ट्स करंट मेजरमेंट इट पासेस अननोन करंट थ्रू अ नोन शंट रेजिस्टेंस। तो जब भी करंट मेजरमेंट का जो पार्ट है, स्विच है, वो सिलेक्ट किया जाता है, तब वहां से हम करंट को पास करते हैं और यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस इंटरनली फिक्स किया होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। अ प्रोपोर्शनल वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड सो दैट एडीसी एंड काउंटर सर्किट मेजर्स वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, एक करंट की वैल्यू हमने पास की है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जो कि हमें हमारे डिजिटल डिस्प्ले पे दिखता है। रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट करंट सोर्स। तो यहाँ पे अब करंट सोर्स जो है वो कॉन्स्टेंट होता है। द नोन कॉन्स्टेंट लो करंट इज पास्ड थ्रू द अननोन रेजिस्टेंस। इस वाले सर्किट में क्या है, इस ब्लॉक में क्या है, हमें करंट पता है और रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो जो करंट होता है वो फिक्स होता है वहां पे बीच में पहले से ही होता है, और हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नली पास करते हैं, यानी कि हमें इनपुट क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। इट प्रोड्यूसेस वोल्टेज ड्रॉप व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू अननोन इनपुट रेजिस्टेंस, और हमें आउटपुट पे वोल्टेज दिखता है। इस तरह से ये डिजिटल मल्टीमीटर के सारे ब्लॉक्स वर्क करते हैं। आपको एग्जाम में डिजिटल मल्टीमीटर क्या है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर की ब्लॉक डायग्राम जरूर निकालनी है। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें और हर एक ब्लॉक का फंक्शन क्या है वो आपको 2 से 3 सेंटेंसेस में लिखना है। अगर आपको इस डीएमएम में कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।